अब हम लोग टर्म भी जान चुके हैं, तो टर्म के आधार पर हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, यानी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर टर्म की संख्या एक रहे, अगर टर्म की संख्या एक रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। एग्जाम्पल देखो, जैसे केवल लिखा हुआ है 5x², तो ये एक टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। समझ में आया? या मान लो लिखा हुआ है 7, तो इसमें भी एक टर्म है, तो ये भी क्या हो गया? मोनोमियल। अगर लिखा हुआ है 5x+2, अब कितना टर्म है? दो, तो ये मोनोमियल नहीं हुआ। लेकिन अगर हम पूरा में डिवाइड कर देंगे 7, है ना, तो अब ये हो गया एक टर्म। क्या हो गया? तो ये कहलाएगा मोनोमियल। दरअसल ये मोनोमियल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि ऊपर में दो टर्म है, नीचे में एक टर्म है, और पूरा डिवाइड दे करके इसको एक टर्म बनाया गया है, तो उस हिसाब से इसको मोनोमियल बोल सकते हैं। अगर मान लो टर्म की संख्या दो हो, तो इसका नाम आ जाएगा सॉरी, बाइनोमियल। फिर से, अगर टर्म की संख्या दो हो तो इसका नाम हो जाएगा बाइनोमियल। क्या नाम हो जाएगा? बाइनोमियल। बाइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर हमको दो टर्म लिखना है, जैसे x³ - 5, इसमें कितने टर्म हैं? दो टर्म, तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। या 2x - 8, इसमें कितने टर्म हैं? दो, तो ये भी क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। इसी प्रकार अगर तीन टर्म रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। यस, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं 2x² - 8x+2। देखो इसमें कितने टर्म हैं? तीन टर्म हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। ऐसे ही टर्म की संख्या बढ़ते जाएगी, और कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म हो, यानी जिसमें टू और मोर देन टू टर्म्स मौजूद हो, या तो दो टर्म रहे या दो से ज्यादा टर्म रहे, तो उसका नाम होता है पॉलीनोमियल। समझ में आया? उसका नाम क्या होता है? पॉलिनोमियल। अब देखो, मोनो 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 मतलब क्या होता है? वन, बाई बाई मतलब टू, ट्राई ट्राई मतलब थ्री, और ये पॉली पॉली मतलब ढेर सारा यानी बहुत। पॉली मतलब क्या? ढेर सारा यानी बहुत, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल।